Hey, what's up, dude? This is आदिवासी अश्विन खलखो. Welcome to my YouTube channel, dude. तो भैया, good morning. Good morning from नेत्रहाट. तो कल हम लोग शाम में नेत्रहाट पहुंचे थे. आज उसका अगला दिन है. हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे नेत्रहाट में होम स्टे. पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा तो पता चलेगा. और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर यार कोयल व्यू पॉइंट. यहीं से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं. आज का हम लोग का प्लानिंग बहुत भयानक भयानक खतरनाक ऑफ रोडिंग करने का विचार है. अनसीन वाटरफॉल जहाँ जो पब्लिक को ज्यादा नहीं जाता है वैसा वैसे जगह में जाने का विचार है. तो यार चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग गाइस. गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेत्रहाट. नेत्रहाट की वादियों से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ. काफ़ी बेहतरीन मौसम हो चुका है. काफ़ी सेक्सी वाला मौसम है. देख रहे हो पूरा फोगी फोगी है भाई. और ये हो गया नेत्रहाट लेक. बाकी ड्रोन वगैरह उड़ाते हैं तो व्यू उतना खास नहीं आएगा लेकिन अच्छा ही लगेगा. तो यहाँ ड्रोन सब उड़ाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कोयल व्यू पॉइंट. वहाँ भी ड्रोन उड़ाने का विचार है. सूरज तो पहले ही उग चुका है लेकिन भाई वहाँ का व्यू देखना है. अभी पूरा नेत्रहाट में फोगी फोगी है. और अभी टाइम हो रहा है 6:30 और वो रहा सामने सूरज निकला हुआ. तो भाई साहब कल रात में हमने आया था कोयल व्यू पॉइंट में. अभी फिर आ गए यार यहाँ पर. लेकिन सामने देख रहे हो सूरज थोड़ा सा ऊंचा उठ गया और क्लियर नज़ारे नहीं आ रहे. नहीं तो यहाँ से पूरा अच्छी तरह से आता है. नीचे एक नदी है कोयल रिवर करके तो वो भी क्लियर नहीं आ रहा है. थोड़ा थोड़ा दिख रहा. और मौसम इधर इस साइड में आप देखोगे तो दिख रहा है इधर. तो भाई साहब अभी जंगल में घुसते हैं यार. काफ़ी भीगा भीगा लग रहा है. रे वैसा वाला मिट्टी थोड़ा धोखा देता है. यो गाइस साइडलिंग ब्रो साइडलिंग. यो 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 तो हम लोग यहाँ से कोयल व्यू पॉइंट से निकल रहे हैं यार. फोटो वगैरह खिंचा लिए जो कि आपको देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम में. वहीं जाके लाइक वगैरह फॉलो वगैरह कर लेना. बाकी अभी यहाँ से जाने का विचार है नैना वाटरफॉल जो कि मैं भी कभी नहीं गया हूँ. तो थोड़ा सा एडवेंचर होगा, नया होगा. आदमी लोग को पूछ के जाना पड़ेगा. A few moments later. तो सुबह में भाई साहब थोड़ा धुंध था. अभी जैसा धूप आ रहा है वातावरण क्लियर हो जा रहा है. और अभी हम लोग जा रहे हैं यार नैना वाटरफॉल जो कि मैं भी नहीं जानता हूँ. लोकल को पूछ के जाना पड़ेगा. लोकल भाई से पूछे थे तो बताता है कि गाड़ी उधर नहीं जाएगा. अभी मिट्टी उधर का लाल है और चक्का में फंसने का ये है. तो भाई करना पड़ेगा यार, कुछ उपाय करना पड़ेगा. जाके देखेंगे, अगर जाने लायक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं ना. ट्रैकिंग करना पड़ेगा फिर. ये रास्ता है सनसेट पॉइंट जाने वाला. तो भाई बताया था कि ये पेड़ का लेफ्ट साइड से जाना पड़ता है. खेत के बीच में पेड़ रहता है तो ये पेड़ समझ आ गया. फिर यहाँ से शायद नैना यहीं से लेफ्ट लेना पड़ेगा. यही रास्ता जाएगा इधर यही इधर इधर
तो भाई साहब इसी टाइप का रास्ता मिलेगा यार। नैना वाटरफॉल गए थे, पहुंच पाए थे? बड़ी दूर है, 4 किलोमीटर। और रास्ता ठीक ठाक है ना? बाइक के लिए ठीक है। अच्छा, तो ऐसा ही थोड़ा सा अभी मुझे महसूस हो रहा है कि रास्ता फिसल रहा है। अरे अरे, स्लिपरी है ब्रो। ओ, फिसल रहा है भाई। ऐसा फिसलने वाला में बड़ा दिक्कत है गाड़ी चलाने में। देख रहे हो रास्ता मेन ना, डर क्या लग रहा है कि गाड़ी फिसल रहा है। देखो रास्ता तो है ही नहीं यार, इसको रास्ता बोलोगे? लेकिन हिमालयन के लिए कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, बस फिसलना नहीं चाहिए, मैं तो वही बोलूंगा। बाकी तो रास्ता ठीक है, अपने लिए तो मस्त है। ऑफ रोडिंग स्टार्ट गाइस, यो बॉय। ओहो, अरे देखो गाइस किस प्रकार के रास्ता, अभी तो उतर जा रहे हैं जैसे तैसे करके, लेकिन चढ़ने समय यार ज्यादा गाड़ी का चक्का ज्यादा ये करेगा ना, घूमेगा, उस समय असली टास्क होगा। बिडू कैसा गांव वाला बोलता है यार, नहीं पहुंच पाओगे करके। अबे फिसलेगा बे। तो गाइस बोनी लोग को बता देते हैं, एबीएस ऑन नहीं किया होगा ये लोग। चलिए चलिए ठीक है ना। तो लोकल एक चचा मिला था, उससे बात हुआ। अबे सॉरी 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 बेली। अरे कहाँ हो रहा है जी, फिसल रहा है। गिरना तो नहीं चाह रहे लेकिन महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं तो पटकाना ही पड़ेगा, इतना भयंकर फिसल रहा है ना भाई, का ही बोले। रास्ता जितना आप लोगों को दिख रहा है ना कि आसान है, वैसा नहीं है। अरे ग्रिप ही नहीं बन रहा है जिसमें। आराम से आराम से आराम से। यो ये जो रास्ता है ना, इसको काई वाला रास्ता बोलो, काई जमा हुआ है इसमें। अरे पूरा लहर रहा है, पीछे वाला चक्का पूरा लहर रहा है। अगर मेरे बातों को आप नहीं समझ रहे हो तो अनुज भैया मेरे पीछे है, उनका मैं अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो रहा हूँ। खतरनाक ना देख रहा है कि कहाँ से लोग आ गया कहने टाइप में। अरे साला करंट वरेंट है काई। ले वाटर क्रॉसिंग आ गया ब्रो। चलो मेरा ही गांव तरफ इतना मस्त मस्त जगह है, हम बेकार ना दूसरा उतना पैसा खर्चा करके दूसरा जगह जाते हैं घूमने। चलो यहाँ तो फोटो बनता है ब्रो। तो भाई सब देखने से तो लग रहा है कि आसाने है, लेकिन भैया कुछ आसान नहीं है हमारे लिए। अरे 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 हमको तो बाद का सोच के हमको डर लग रहा है कि गाड़ी चढ़ेगा कैसे इधर। तो यार वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, कुछ अच्छा कर देना और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लौटते टाइम हम लोग पटकाने वाले हैं।
अरे ऐसा रास्ता रहेगा तो मैं तो भैया ओ हो ले ला। कितना दूर है और नैना जलप्रपात? गाड़ी पूरा जाएगा नीचे तक? आपका काम नैना ही हुआ? ओ चलो ठीक है फिर। हाँ तो ये लोग है नीचे नैना गांव के ही, अभी ये लोग सब बाजार जा रहे हैं बाजार। देखो यार कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, बच्चा लोग देखो यहाँ से नेत्रहाट जा रहा है, वो भी भाई काफ़ी दूर है, बताओ स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है बाबू। कहाँ स्कूल जाता है? कहाँ पर? कौन सा क्लास में है? पचवा। ओ डेली आना जाना करता है सही। चलो बढ़िया से पढ़ना लिखना ना। तो भाई साहब इधर गाड़ी घोड़ा भी चलता है यार, हम लोग सोच रहे कि गाड़ी घोड़ा नहीं चलता है का? अभी गया एक गाड़ी वाला बताओ, वो उसका तो रोज का काम होगा ऐसा। और आप लोगों को मैं बता दूं, इससे जस्ट नीचे है बराही गांव, बराही के बाद भैया मेरा नीचे ही गांव है इधर, अगर इधर से रास्ता हुआ तो हम पहुँच सकते हैं मेरा गाँव भी। बताओ महुआ डाड का होते हुए भी ऐसा ऐसा खूबसूरत जगह में मैं नहीं आया था यार, कितने दुख की बात है बताओ। इतना खूबसूरत है यार अपना महुआडार, हबीबी कम टू महुआडार। अरे रे गाइस क्या लोकेशन है गाइस, ये रास्ता ठीक है सर, मोरा मला तो थोड़ा ठीक है। अब लग रहा है हम लोग गांव पहुंच गए हैं, वाह ऐसा जगह में आके खुला जगह दिखता है ना यार मजा आ जाता है, दिमाग में एक ही ख्याल आता है कैंपिंग। इधर हो जाएगा गांव, अब जाके अटक गए, ये चाची से पूछते हैं। नैना नैना किने से जान वो घघरी बटे एलएलएल से? अच्छा कितने दूर हो यहाँ से? ज्यादा दूरिया नहीं है। अच्छा ये खुला ग्राउंड मिलेगा यार, यहाँ खुला ग्राउंड से आप उस साइड जाओगे तो उधर गांव है, तो ये वाला देखना ये पोस्टर देखना उसके समझ जाना ठीक है, उसके बाद आगे इधर बढ़ जाना। तो भाई साहब ये रास्ता है यार नैना वाटरफॉल, इतना मुशक्कत के बाद हम लोग को जाना पड़ रहा है, देखते हैं यार किस टाइप का होगा। अरे यार कितना को रास्ता आ जाता है। ओह तो हो सकता है यही वाला है, यहाँ से किधर जाना है भाई, इधर तो सब बगान किया हुआ है देख रहे हैं, ये तो हार्ड जगह है यार। इधर से कहाँ उतरेगा जी गाड़ी? ओ यहाँ है, यहाँ से उतरना पड़ेगा फिर हम लोग को आगे जाना पड़ेगा, फिर आगे किस दिशा में जाएंगे पता नहीं। भाई साहब अभी हम लोग एक जगह में आके रुक गए हैं यार, किधर जाना है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन रास्ता इधर गया हुआ है तो इधर ही मैप में भी दिखा रहा है इधर ही जाना पड़ेगा। अब भाई लोग को भेजे हैं रास्ता देखने के लिए, फिर वो लोग अपडेट करेगा कैसा जाना पड़ेगा। वो रहा उधर दलदल वाला नहीं ना जी, ये तो पार करना ही पड़ेगा ये। तो भाई साहब अब हम लोग उतर रहे यार वाटर क्रॉसिंग, तो सबसे पहले अनुज भाई पार कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा गहरा है।
हाँ हो गया जी सर। बस भैया मेरा जूता नहीं भीगना चाहिए। लेट्स गो लौंडे। यो भाई और है क्या? अबे यार और वाटर क्रॉसिंग एक अरे भयंकर काफी अच्छा हो लग रहा है गाइस। ओबे बे इसके किनारे किनारे जाना होगा गाइस। ये किनारे किनारे और जो आप लोग वाटर क्रॉसिंग में जो फुटेज देख रहे हो क्रेडिट गोज टू दोनों राहुल भाई लोगों। ये लोग खतरनाक ना वाटर क्रॉसिंग करके हम लोग का फुटेज इकट्ठा कर रहे हैं। तो कम से कम ज्यादा कुछ नहीं जाके लोग फॉलो कर लो इंस्टाग्राम में क्या तो भाई साहब देख रहे हो एंगल के लिए। हे प्रभु व्हाट इज दिस मैन क्या हो गया ये? पता नहीं यार हम लोग सही भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं लेकिन रास्ता को फॉलो करते जा रहे हैं कहीं जंगल में ना पहुंच जाए। खतरनाक एडवेंचर तो लग तो रहा है कि पहुंच गए। अब यहां से नीचे उतरना पड़ेगा जो कि मेन टास्क है। उतर तो जा रहे हैं चढ़ने में बड़ा हालत खराब होने वाला है। ओहो ये रहा गाइस झरना दिख गया यहां से। किधर से उतरना पड़ेगा? यही आसपास उतरना पड़ेगा। तो भाई साहब इस टाइप का रास्ता है यार देखो। अब प्रॉपर रास्ता कहां पर है वो तो मुझे नहीं पता लेकिन यही लग रहा है कैसे भी करके नदी तक पहुंच जाए। उसके बाद तो बाकी लोग आने सकेंगे नहीं सकेगा। हम तो जैसे तैसे करके उतर गए नीचे। तो भाई और बहनों बड़ी मुशक्कत के बाद बड़ी ऑफ रोडिंग करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए यार। और यार मस्त लग रहा है वाटरफॉल। वाह वाह बेहतरीन गाइस। तो नैना वाटरफॉल से आपका मैं स्वागत करता हूँ। ऐसा ऐसा वीडियो सिर्फ मेरे चैनल में देखने को मिलेगा। तो यार अगर ऐसा वीडियो और आगे तक देखना है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन दबा देना ताकि अच्छे अच्छे ऐसा व्यू देखने को मिले। तो काफी पसीना हो चुके हैं और भाई लोग रास्ता उतरने ही नहीं जान रहे। उन लोगों में बोला कि आओ यार मेरे साथ में तो नहीं जानोगे आप लोग लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि रास्ते नहीं है भाई रास्ता इधर उतना ये घूमने वाला जगह भी नहीं बना है इसलिए बनाना पड़ता है जगह। बाकी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ वाटरफॉल पहुंचने के बाद यार काफी मजा आ रहा है और यहाँ जहाँ पानी गिर रहा है यहाँ काफी गड्ढा होगा देखने से लग रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि वाटरफॉल के ऊपर से लकड़ी गिरा है जो कि यहाँ अटका हुआ है अभी। इसको
को देखने के लिए वो रास्ता जायज है भाई, उतना तो ऑफरोडिंग करना बनता है। इतना खूबसूरत पहाड़ों के बीच में आते और इतना सुकून मिल रहा है ना कि क्या ही बोले, मजा आ गया भाई मजा। तो भाई साहब नैना वाटरफॉल हमने विजिट कर लिया, काफी खूबसूरत है, आओ कभी इधर भी घूमने, काफी प्यारा जगह है। ये रहा आखिरी बार देखते हैं पीछे नैना वाटरफॉल, उसके बाद वापसी जाने में भी हम लोग को असली टास्क होने वाला है। आराम से आराम से, अब मेरा बारी है गाइस। बराही तक निकला देता है हो। ओ अच्छा, हाँ हाँ, और बराही तो नीचे ही ना, पहाड़ के नीचे। हाँ बनेगा बनेगा, वही थोड़ा हम लोग भी प्रचार कर दे रहे हैं, वीडियो सब बना रहे थे वही चीज का। हाँ और झरना है नीचे, उसका नाम क्या है, यही नैना ही बोलेंगे उसको भी। हाँ हाँ हाँ, बागे सखु वाला वो तो अभी चलने लायक है, गाड़ी घोड़ा चढ़ रहा है उसमें, लेकिन ना अभी तो। हाँ चलिए ठीक है तो ना। गाइस 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 बच गया यार, हाँ हाँ हाँ, कैमरा में खतरनाक चोट लगा। तो जिस रास्ता में हम लोग उतरे थे अभी उसमें चढ़ रहे हैं, तो यहाँ लास्ट वाटरफॉल ब्रो, यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है भाई। गोप्रो ऐसा जादू चला देता है ना कि पता ही नहीं चलता है खड़ी चढ़ाई वीडियो के जरिए। और ये सब रास्ता देखो पूरा काई वाला है, पूरा फिसल रहा है, प्लस अभी नीचे भी वाटर क्रॉसिंग पार की है तो चक्का और गीला हो गया। काफी खतरनाक एडवेंचर हो रहा है, सुबह सुबह वो भी बिना नाश्ता किए, पावर तो भैया भयानक लग रहा है। और लीड मैं ही कर रहा हूँ क्योंकि दोनों गाड़ी में हिमालयन और डोमिनार में डबल डबल है, तो अपनी बेली जिंदाबाद। भाई साहब देख रहे हो पसीना से लथपथ हो चुके हैं और प्लेन जगह में पहुंच के काफी अच्छा लग रहा है, और भाई लोग आ रहा है। A few moments later. तो गाइस देखो यार थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आराम से हो गया बन गया कंटेन। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो भाई साहब फाइनली होटल हम लोग पहुंच गए यार 10 मिनट पहले। कैसे लगा दोस्तों सफर? अभी हम इसलिए रफ्तार बढ़ाया ना, मिट्टी हम हटाना चाह रहे थे गाड़ी में से, झनझनाता ना फिर हट जाएगा। तो भाई और बहनों हम लोग नैना वाटरफॉल से आ गए और यहाँ भी मतलब नाश्ता भी नहीं किए थे हम लोग पांचों कोई, तो काफी जोर का भूख लग रहा है, तो हम लोग बैठे हैं इस प्रकार से नेत्रा। तो ठीक है अभी इतना दम नहीं है, आवाज नहीं निकलेगा अभी, तो खाने के बाद मिलते हैं।